अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखने वाला सुनने वाला तमाम भाइयों को बहनों को अहमद हुसैन पुरकी की तरफ से आदाब और सलाम। नाज़रीन, मैं आपको आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि खैर मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं एक कराची के अंदर ही काफ़ी सादी टोन से हदूद से काफ़ी एक दूर एक जंगल है और जिसमें एक पौधा है जो इसी चीज़ के लिए काफ़ी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद एक चीज़ है और उसका नाम है दमासा। ठीक है जी, यहाँ के मैं आगे काफ़ी रास्ता जो है दुश्वार गुजार है लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग को अंदर तक जा कर दिखाने का, लेकिन यहाँ से रास्ता बहुत ही मुश्किल है। इंशाल्लाह जिस काम के लिए मैं सुबह से निकला हूँ वो मैं आज पूरा करके ही निकलूँगा। मेरा कोशिश है कि मैं इस काम को पूरा करके ही निकलूँ और आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे को इस काम में कामयाबी दे, और ताकि इसलिए कि काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन आगे मुझे रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया, आगे रास्ता बिल्कुल नहीं है। मैं वापस दूसरा आधे की तरफ मैं जा रहा हूँ, रास्ता ढूँढता हूँ क्योंकि है इस इलाके में मैंने सुना है और बोला भी है किसी ने, तो मैं इसलिए इस स्टेप पे निकला हूँ। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊँ भी और दिखाऊँ भी। मैंने मेहनत रंग ले आया, ये देखें ये है वो पौधा जिसके लिए मैं सुबह से निकला हूँ, मैं तलाश में था जिस पौधे का, ये है दमासा। और ये इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि आप लोग को ये में कई फ़ायदे हैं, इसका एक फ़ायदा नहीं है। और पहला जो जो कैंसर के लिए जो लोग ब्लड कैंसर जिसको होता है उसके लिए भी ये मुफीद चीज़ है। और ये एक चुटकी या ज़रा सा उससे वो पी लें और चेहरों पे जो काले 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 दाने होते हैं ख़ारिश और इस चीज़ के लिए और मज़ीद जो भी इस तरह की और आपको कोई पुरानी बीमारी है उसके लिए भी काफ़ी चीज़ों के लिए मुफीद चीज़ है। और ये इसकी तजुर्बा मुझे यूं हुआ क्योंकि मेरा अपने मरहूम बीबी उनको भी और ये उनको भी कैंसर हो गया था, तो मुझे तजुर्बा यूं हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि ये कैंसर के लिए बड़ा मुफीद चीज़ है, लिहाजा मैं बहुत ढूँढा फिरा इसको, बहुत मैंने कोशिश की, लिहाजा मुझे कराची बंज रोड पर यह आराम बाग के पास मुझे मिला 400 रुपया ये किलो सुखा के, तो जितना था मैं उठा कर लाया लेकिन वो स्टेज 5 पे आ चुका था, लेकिन उस वक्त उसका काम जो है वो अल्लाह को राजी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको और ये इसको बिल्कुल बारीक चीज़ ना होता सुखा के बिल्कुल बारीक चीज़ से एक एक चुटकी चाहे कहवा बना के दे दो चाहे कैप्सूल की शक्ल में दे दो, तो ये इस तरह कैंसर के लिए पुराना ख़ारिश और वगैरह वगैरह काफ़ी बीमारियों के लिए मैं आपको नीचे इंशाल्लाह वो लिस्ट भी दूँगा। और कराची के हदूद के अंदर किसी भाई बहन को किसी को भी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरा नंबर 0333-224-7235 ये मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास में रहा आप रब्ता कीजिए, मैं आप तक पहुँचा भी दूँगा इंशाल्लाह। ये ठीक है जी, और इसकी काफ़ी फ़ायदा है। और अब मैं आप सबको से इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल देखने वाला सुनने वाला तमाम भाई और बहनों को मेरे तरफ से आदाब और सलाम। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम में मैं कोई और किसी चीज़ के साथ आपसे मुलाकात करूँ, हाजिर हूँ। जब तक के लिए अहमद हुसैन पुरकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह मेहरबान और खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।